नमस्कार, मैं हूँ ज्योत्सना थपलियाल और आप देख रहे हैं संवाद 365। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ओम पर्वत की खूबसूरती किसी से छिपी नहीं है। ये क्षेत्र चीन और नेपाल से सटा हुआ है, इस वजह से ये सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। लेकिन आजकल ओम पर्वत वाले इलाके को लेकर एक 27 साल की लड़की चर्चाओं पर है। ये लड़की यूपी के लखीमपुर खीरी की रहने वाली है। आपको पूरा मामला भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप अपनी मम्मी को भेज दो। मैंने कहा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी नीचे गई थी, उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि कभी एक्चुअली उन्होंने ऐसे काम किए नहीं। हम ही लोग देखते हैं, हम या मेरा भाई। भाई नीचे घर घर पे मम्मी घर मम्मी चली गई। तो आप ही यहाँ पर? तो आप बिना परमिशन के रह नहीं पाएंगे, कैसे करोगे? नहीं, मुझे तो पूजा करनी, मैं तो यहाँ से जा ही नहीं सकती। नहीं, जाना तो पड़ेगा ना बिना परमिशन के। तो ये लोग रख पाएंगे ना, हम लोग रख पाएंगे? नहीं, वो बात ठीक है। पेपर्स भी आप मतलब जब इतना सब कर सकते हो, आप लोग यहाँ तक आ सकते हो, तो देखिए एक साइन किए हुए पेपर्स भी ऊपर आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो, मैंने इसीलिए ना, मैं फ़ोन पे एक बार भी जब से मम्मी गई है मैं ऊपर एक बार भी नहीं चढ़ी कि मुझे किसी से बात करनी है, मुझे ये, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ पूजा पाठ करना है, मुझे और कुछ कैसा भी नहीं करना। पाठ करें उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर मैं यहाँ से नीचे नहीं उतर सकती ना। मैं काला पानी तक सोचती हूँ कि अपने महादेव के लिए पानी ले, मतलब जल ले आऊँ वहाँ का, मैं वहाँ के लिए नहीं जा पाती। जब आप यहाँ नहीं आई होंगी तब भी तो आप पूजा करती होंगी वहाँ पे, ठीक है ना? तो जब आप पूजा करते करते तो यहाँ बुलाई गई हूं। तो जब आप उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, आप धारचूला जाके पूजा कर सकते हैं। तो आप चाहें एसडीएम साहब के पास, वहाँ से परमिशन ले आए और आराम से यहाँ साल भर बैठे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? तो आप जाएँ वहाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स आप यहाँ नहीं रह सकते सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? इन लोगों ने हमें कंप्लेन की है इस चीज़ की कि आप यहाँ बिना परमिशन के रह सकते हैं। अभी तक थी मेरी परमिशन, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक बार दो बार एक्सटेंड करवाई। आप एक्सटेंड करा देना शौक से। तो आपने वीडियो में देखा कि एक लड़की कैसे कुछ पुलिस कर्मियों के साथ बहस कर रही है। पुलिस कर्मी इस लड़की को वापस जाने और परमिशन लाने को कह रहे हैं, लेकिन ये लड़की का कहना है कि वो महादेव की पूजा छोड़कर वापस नहीं जाएंगी। दरअसल हर साल ओम पर्वत के दर्शन के लिए श्रद्धालु और सैलानी पिथौरागढ़ के नाभिढांग आते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी की रहने वाली 28 साल की हरप्रीत कौर 23 अप्रैल को अपनी माँ हरविंदर कौर के साथ ओम पर्वत के दर्शन के लिए आई थी। दोनों माँ बेटी को प्रशासन ने 6 मई के लिए इनर पास भी दिया था, जिसके बाद इनके अनुरोध पर 6 से 24 मई तक के लिए इसकी अवधि बढ़ाई गई। लेकिन पास की समय सीमा खत्म होने के बाद हरप्रीत कौर ने नाभिढांग से लौटने के लिए मना कर दिया। हालांकि हरप्रीत की माँ हरविंदर कौर थक हार कर वापस लौट आई। कहा जा रहा है कि हरप्रीत शिव की धरती से वापस जाना ही नहीं चाहती, वह खुद को पार्वती का अवतार मान भगवान शिव से विवाह करना चाहती है। इस बारे में एसपी पिथौरागढ़ का कहना है कि युवती की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसको वापस लाने के लिए मेडिकल टीम और महिला कांस्टेबल को भेजा जा रहा है। देखिए, एक माँ और बेटी जो कि एक माह पूर्व जिनको इनर लाइन परमिट दिया गया था, वो आदि कैलाश यात्रा पर दोनों रवाना हुई थी। उनका इनर लाइन परमिट समाप्त होने के बाद जो माँ है वो नीचे धारचूला आ गई थी, परंतु उनकी जो बेटी हैं जो 27 वर्षीय हैं, उनको इनर लाइन परमिट समाप्त होने के बाद अभी तक वो गर्भ्यांग नामक जो गांव है वहाँ पे रुकी हुई हैं। अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उस महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ITBP उसको मॉनिटर कर रही है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा उस महिला को लाने के लिए टीम भेजी गई थी, परंतु महिला की मानसिक स्थिति उचित न होते उसको लाना ठीक नहीं रहा, अतः पुनः आज पुलिस और प्रशासन और एक मेडिकल टीम को गर्भ्यांग के लिए रवाना किया गया है तथा उस महिला को यहां धारचूला में लाया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इस इलाके में जाने के लिए आपको इनर लाइन पास लेना होता है और इनर लाइन पास एक्सपायर होने के बाद आपको हर हाल वापस आना होता है, लेकिन हरप्रीत कौर ने आने से मना कर दिया, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन भी सतर्क है और लड़की को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए खबर भेजी है हमारे संवाददाता मनोज चंद ने। बाकी खबरों के लिए आप संवाद 365 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक और फॉलो कीजिए। नमस्कार।